दिल्ली में युवा कांग्रेस ने आज बजट के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आम जनमानस के लिए इस बजट में कुछ नहीं है और हम लगातार इसी तरह से इसका विरोध करते रहेंगे। वहीं इसको लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रशांत त्यागी। जब से केंद्र सरकार ने नया बजट पेश किया है उसके बाद से ही लगातार विपक्ष इसका विरोध कर रहा है और आज कहीं ना कहीं जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। आप देख सकते होंगे कि जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो शास्त्री भवन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हालांकि उन्हें इजाजत नहीं दी गई है। राष्ट्रीय महासचिव यूथ कांग्रेस के पूरन इस वक्त हमारे साथ है। पूरन, क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं कुर्सी बजाओ, बजट इस देश में नहीं चलेगा। कुर्सी बचाने के लिए कोई किस हद तक गिर सकता है इस वर्ष के बजट में हमें देखने को मिला है। कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस लगातार इसका विरोध करेगी। देख सकते होंगे किस तरह से कुर्सी बजाओ बजट यहाँ पर दिखाया गया है, उसके अंदर लोटा रखा है, लगातार लोटे को बजा के अपना विरोध प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं। और भारी संख्या में जो यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। शास्त्री भवन से आगे मार्च करने का इनका इरादा था, लेकिन पुलिस की तरफ से चौकसी, आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन की तरफ से काफी भारी संख्या में सुरक्षा बल है, उनको यहाँ पर तैनात किया गया है और यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी है। यानी कि इससे आगे जाने की इजाजत जो है वो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नहीं दी है, तो इसीलिए यहीं पर रुककर ये लोग बजट का विरोध कर रहे हैं और कहना है कि जब तक कोई इसमें बदलाव नहीं किया जाता लगातार कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस इसका इसी तरह से विरोध करते रहेंगे। कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।